Hello aspirants, I welcome you all once again to another session which is based on one word substitutions. One word substitutions का मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द. अनेक शब्दों के एक शब्द को हम कहते हैं one word substitutions. Now before I start, मैं बता दूं कि guys, जो लोगों ने मेरा session नहीं join, मेरा telegram group नहीं join किया है, please ensure that you join. This is the ID at Iyer Sir Testbook. ओके, अय्यर सर टेस्ट बुक के नाम से है ये वाला. इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल. ओके, सो प्लीज एंश्योर दैट यू पीपल ज्वाइन इट. एंड इसमें आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे मेरे वोकैब शो के. ओके, यू विल गेट द पीडीएफ्स फॉर माय वोकैब शो. You'll get the PDFs for the rest of the sessions. आज से मैं sessions के सभी sessions के PDF upload करना शुरू कर देता हूँ. Discussion, doubt solving, you can directly interact with me regarding any doubts or queries, quizzes and polls भी मिलेंगे. You can scan this QR code to actually join this group. तो चलिए शुरू करते हैं. Before I start, daily का हिंदू vocab show meet करता हूँ आप लोग देख रहे होंगे. These vocab shows will really help you in boosting your vocab synonyms and antonyms. Okay, इसके अलावा सभी के timings देख लीजिए. मेरा रोज 6 बजे का timing रहता है. 6 o'clock I am there with topic wise grammar, vocab or comprehension with concepts. All the faculties appear in front of you with very important sessions on a daily basis. तो चलिए शुरू करते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो. पहला क्वेश्चन कह रहा है कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऐसी कोई चीज जो बहुत लंबे समय तक चले उसे क्या कहते हैं. लैकॉनिक, कंसाइज, इंटरमिनेबल और इंटरिम. ओके, सो दैट विच कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम उसे हम कहते हैं इंटरमिनेबल. ओके, जो चीज बहुत लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले, जिसे हम एंडलेस कहते हैं, चलता रहे चलता रहे. दैट इज दैट विच कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज इंटरमिनेबल. लैकॉनिक और कंसाइज दोनों का मतलब होता है संक्षिप्त या ब्रीफ, छोटे में किसी चीज को बताना, संक्षिप्त या ब्रीफ. इंटरिम का मतलब होता है इंटरवल, a small time between two actions, a small break between two actions, that is interim. So continuing for a long time, जो चीज काफी लंबे समय तक चले उसको आप interminable बोलोगे. अगला सवाल ये रहा, सवाल क्या कह रहा है देखो, causing great damage or suffering, जो बहुत ज्यादा damage या suffering दे किसी को. okay, बहुत ज्यादा damage या suffering दे उसको हम क्या कहते हैं. causing ग्रेट डैमेज ऑफ सफरिंग, स्पाजमोडिक, चार्ज्म, कैटेटॉनिक और कैटेस्ट्रॉफिक. सो वाइड स्प्रेड डैमेज या ग्रेट डैमेज को हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफिक. डी इज एब्सोल्यूटली राइट. स्पाजमोडिक का मतलब होता है सडन जर्क्स, जैसे मिर्गी किसी को होता है तो वो अचानक से छटपटाने लगता है, जर्क करने लगता है, उसे हम कहते हैं स्पाजमोडिक मूवमेंट्स. चाज्म का मतलब होता है अ बिग होल और क्रेटर जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा. ओके, एंड काइंड ऑफ एन अबिस, दैट इज अ चाज्म. कैटेटोनिक मींस रिलेटेड टू द डिजीज कैटेटोनिया. कैटेटोनिया एक बीमारी होती है, उससे संबंधित कोई चीज हो तो दैट इज कैटेटोनिक. ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग इज कैटेस्ट्रॉफिक. डी इज एब्सोल्युटली राइट. अगला सवाल है सेंडिंग बैक अ क्रिमिनल और अनवांटेड पर्सन टू कंट्री ऑफ हिज और हर ओरिजिन. एक्साइल, एक्सपोर्ट, एक्सकवेट और एक्सट्रेडिट. अगर कोई ऐसा क्रिमिनल हो या वांटेड पर्सन हो जिसे वापस अपने देश भेजा जा रहा है, कोई इलीगली दूसरे कंट्री में सेटल हो गया और उसे वापस अपने कंट्री भेजा जा रहा है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और बहुत सारे हमारे मिलियनर्स हैं जो कई हजार करोड़ लेके भाग गए, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्स्ट्राडिशन केस करने की कोशिश करे. तो एक्स्ट्राडिशन तो नाउन हो गया, वर्ब होता है एक्स्ट्राडिट. टू सेंड बैक क्रिमिनल और अनवांटेड पर्सन टू कंट्री ऑफ हिज और हर ओरिजिन, एक्स्ट्राडिट.
एग्जाइल का मतलब होता है बैनिश, अपने ही कंट्री या किंगडम में से किसी को बेदखल कर देना, दैट इज एग्जाइल, बैनिश बोल सकते हो। एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग गुड्स इन अदर कंट्रीज, ट्रेडिंग गुड्स इन अदर कंट्रीज, दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सकवेट का मतलब होता है डिगिंग अप, खुदाई को हम कहते हैं एक्सकवेट, एक्सकवेशन इज खुदाई, एक्सकवेट मीन्स टू सिंपली डिग अप, खोदना, दैट इज एक्सकवेट। जनरली जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो एक्सकवेट करते हैं पुरानी चीजें ढूंढने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज अननेचुरल एंग्जाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ टिपिकली इन्वॉल्विंग इमेजिन्ड सिम्टम्स ऑफ इलनेस। कोई व्यक्ति जिसे लगता है कि वो हमेशा ही बीमार है, ओके, ही हैज़ गॉट इमेजिन्ड सिम्टम्स ऑफ इलनेस, असल में बीमार नहीं होता लेकिन उसको लगता है कि मैं बीमार ही हूँ, तो क्या करोगे, कहोगे निम्फोमेनियाक, साइकोटिक, न्यूरोटिक और हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो करेक्ट आंसर इज हाइपोकॉन्ड्रियाक, जिसे बेमतलब का लगता है कि वो हमेशा बीमार है जबकि वो नहीं है, दैट्स कॉल्ड एन हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन। निम्फोमेनियाक इज कॉल्ड अ लेडी हु इज एक्सेसिवली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैन, इज अ निम्फोमेनियाक। Psychotic is related to one who is mentally unstable, is a psychotic person. Neurotic is related to the nerves or nervous system, that is neurotic. Psychotic is related to the brain, neurotic is related to the nervous system. Agla question hai, group of people leading the way in new developments or ideas. ऐसे एक लोगों का समूह जो नए development या ideas में आगे से एक pioneer हों, जो फोरफ्रंट पे हों और किस लोगों को लीड करे, तो क्या कहेंगे, साइकोफेंट, स्टूज, जेलेट और वैनगार्ड। सो करेक्ट आंसर है वैनगार्ड, ऐसा एक समूह जो आगे से किसी चीज में लोगों को लीड करे, वन हु लीड्स न्यू डेवलपमेंट्स और आइडियाज कॉल्ड अ वैनगार्ड। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, जिसे आप फ्लैटरर भी कहते हो, चापलूस या फ्लैटरर कहा जाता है। स्टूज का मतलब होता है गुर्गे, जिसे हम गुर्गे कहते हैं ना, अ पर्सन हायर्ड टू डू अनप्लेजेंट जॉब्स, ओके, जो अनप्लेजेंट मतलब जेन्युइनली कोई काम नहीं करेगा, अनप्लेजेंट जॉब्स के लिए किसी को हायर किया जाना, उसको हम कहते हैं स्टूज। जेलेट का मतलब होता है फैनेटिक, कट्टरपंथी, वन हु इज एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक इन रिलीजियस मैटर्स। सो यहाँ पे वैनगार्ड शुड बी द आंसर। अगला सवाल है, स्टिक विथ अ थिक एंड यूज्ड इन अ मॉर्टर फॉर पाउंडिंग, थिसल, स्टाइफल, स्केप्टर और पेसिल। जो आपकी मम्मी, आपने देखा होगा मसाला कूटने के लिए एक पॉट सा होता है और एक पत्थर या लकड़ी का एक स्टिक होता है जिससे वो मसाले को कूटती है, उस स्टिक को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पेसिल, और उस पॉट को क्या कहा जाता है, उस पॉट को कहा जाता है मॉर्टर। तो इसको दोनों को एक साथ कहा जाता है पेसिल एंड मॉर्टर, सो डी इज करेक्ट। थिसल एक कांटेदार झाड़, बुश को कहते हैं कांटेदार झाड़। स्टाइफल का मतलब होता है सफोकेट, किसी के मुंह में कोई कपड़ा या कोई चीज़ डाल के ठूस देना, सफोकेट करना, सांस नहीं लेने देना। और स्केप्टर का मतलब होता है अ लॉन्ग स्टिक यूज्ड बाय अ किंग और अ क्वीन, जैसे आपको पता होगा सेंगोल जो रिसेंटली पार्लियामेंट में रखा गया था, दैट वाज अ स्केप्टर ऑफ द चोलास, द चोला डायनेस्टी के जो चोला किंग्स थे, जब पावर ट्रांसफर होता था तो चोलास एक किंग से दूसरे किंग पे ये जाता था स्केप्टर। तो स्केप्टर को ही हम कहते हैं, ये एक लंबा सा स्टिक होता है जो राजा महाराजा जनरली पकड़ते हैं ये दिखाने के लिए कि वो अथॉरिटी है उनके पास, सो दैट इज अ स्केप्टर, सेंगोल इज एन एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, अ मास हेल्ड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ डिपार्टेड सोल, जो मर गया है उसके लिए एक मास करना, टू प्रे फॉर द पीस ऑफ डिपार्टेड सोल, सिनिक्योर, एलिजी, रेक्यूएम ऑफ वायमेंट। तो यहां पे रेक्यूएम इज अ मास हेल्ड फॉर द पीस ऑफ द डिपार्टेड सोल, उस मास को रेक्यूएम कहेंगे। एलिजी एक पोएम होता है, पोएम फॉर द डेड, जो मर गया है उसके याद में कोई पोएम लिखने को एलिजी कहते हैं। अ सिनेक्योर का मतलब होता है पर्सन विथ
हाई सैलरी बट लिटिल और नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसे पोजिशन को कहा जाता है सिनिक्योर, जिसमें आपका सैलरी तो बहुत हाई है लेकिन आपका काम बिल्कुल न के बराबर है। सैलरी बहुत हाई बट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी लिटिल। और वायमेंट मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांसफर बिटवीन लिविंग बींग्स, ओके, दैट इज कॉल्ड अ वायरमेंट। अगला, सॉलिड पीस ऑफ गोल्ड, मेटलॉइड, नगेट, गॉबेट और टिटबिट। तो सॉलिड पीस ऑफ गोल्ड को आप कहोगे नगेट। नगेट इज अ सॉलिड पीस ऑफ गोल्ड या एनी मेटल, किसी भी मेटल के टुकड़े को नगेट कहा जाता है। जनरली गोल्ड के टुकड़े को नगेट कहा जाएगा। मेटलॉइड इज आर एलिमेंट्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटल, दे आर लाइक मेटल बट नॉट एग्जैक्टली मेटल। गॉबेट होता है चंक ऑफ फ्लैश, मांस का टुकड़ा, चंक ऑफ फ्लैश, मांस के टुकड़े को गॉबेट कहते हैं। टिटबिट्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ टेस्टी फूड, छोटे छोटे टेस्टी फूड के पीसेस को टिटबिट कहा जाता है। अगला वर्ड है वन हुज, क्वेश्चन है वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, जो स्टैम्प कलेक्शन जिसको पसंद है बहुत ज़्यादा उसे क्या कहोगे? फोनोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेटलिस्ट और पैनेगायरिस्ट। सो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए फिलेटलिस्ट। यस, वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन इज फिलेटलिस्ट, वन हुज हॉबी इज कॉइन कलेक्शन इज न्यूमिस्मैटिस्ट। फोनोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज साउंड, साउंड के बारे में पढ़ता हो तो फोनोलॉजिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट इज पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव कल्याण के लिए काम करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। पैनेगायरिस्ट इज सिंपली एन ओरेटर, भाषण देने वाले को पैनेगायरिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से लाइट या हीट का एमिशन निकलना। रेस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेडिएशन। सो इसको हम कहेंगे रेडिएशन। रेस तो बीम्स ऑफ लाइट्स को कहा जाता है। रिफ्रैक्शन जहाँ पे आपका लाइट कहीं टकराता है और डायरेक्शन चेंज कर जाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। जैसे रेनबो इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब आप ही का प्रतिबिंब, आप ही की आप जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, यू लुक एट योर रिफ्लेक्शन। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल ये रहा, ब्रेक ऑफ अ मीटिंग, लीगल केस और गेम विद द इंटेंशन ऑफ रिज्यूमिंग इट लेटर, बीच में किसी चीज को छोड़ देना ताकि वो बाद में उसे कंटिन्यू किया जा सके। अजर्न, क्लोज, डिसमिस और इग्नोर। करेक्ट आंसर शुड बी अजर्न, बीच में रोक देना किसी चीज को कि उसे बाद में रिज्यूम किया जाए, दैट इज अजर्न। क्लोज मतलब बंद कर देना, डिसमिस मतलब किसी चीज को कहना कि, डिसमिस मतलब भी यही होता है टू एंड समथिंग, बट यहाँ पे एडजर्न बोला जाता है क्योंकि ये कंटिन्यू बाद में होगा। डिसमिस हो सकता है बाद में कंटिन्यू ना हो। इग्नोर का मतलब ध्यान न देना, दैट इज इग्नोर। अगला, एन एक्शन ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर कास्ट और क्लास, अपर कास्ट, हाइपरगैमी, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। सो अपने से सुपीरियर कास्ट वाले बंदे से या बंदी से शादी करना, उसको हम कहते हैं हाइपरगैमी। बी इज करेक्ट। अपर कास्ट मतलब ऊंचे कास्ट वाले लोगों को अपर कास्ट कहा जाता है। अगेन ऊंचे नीचे कुछ होता नहीं है, एवरीवन इज वन, बट स्टिल यहाँ पे दैट वाज द टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस इज दिस पर्टिकुलर वर्ड। मोनोगैमी, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वंस, एक बार शादी करने को मोनोगैमी। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मैनी टाइम्स इज पॉलीगैमी, बहुत बार शादी करने के प्रक्रिया को पॉलीगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर द फ्यूचर, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, फास्टिडियस और एक्टिव। सो टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, जो हमेशा चीजों को डिले करता रहता है विद द इंटेंशन कि ये बाद में करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। लेजीनेस मतलब आलस, फास्टिडियस मतलब होता है चूजी,
जो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगा किसी चीज में, उसे कोई चीज ऐसा चाहिए तो वैसा ही चाहिए, ही विल नॉट एडजस्ट अ बिट, कॉल्ड अ फास्टिडियस पर्सन। एक्टिव का मतलब जो हमेशा हरकत में रहता है, इट्स एक्टिव पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्ट ऑफ कॉजिंग टू पीपल और ग्रुप्स टू बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, रिकंसिलिएशन, रिकमेंडेशन, रिवाइवल और रेट्रीब्यूशन। सो जिसे हम कहते हैं समाधान, दोनों के बीच में एक सुलह करवा देना, दो डिस्प्यूटिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल या दो लोगों के बीच में, इसको हम कहते हैं रिकंसिलिएशन, जिसे समाधान कहा जाता है। रिकमेंडेशन मींस सिफारिश। रिवाइवल का मतलब होता है दोबारा किसी चीज में जान डाल देना, ओके दोबारा किसी चीज में जान डाल देना, दैट इज रिवाइवल। एंड रेट्रीब्यूशन मीन्स पनिशमेंट, सजा, दैट इज रेट्रीब्यूशन, पनिशमेंट को कहते हैं रेट्रीब्यूशन। अगला सवाल है, बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, एयरपोर्ट, हैंगर, बेस और हेडक्वार्टर्स। ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड अ हैंगर, अ बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट। कई लोग एयरपोर्ट कर देते हैं, बट एयरपोर्ट इज नॉट वेयर एयरक्राफ्ट इज केप्ट। एयरक्राफ्ट, एक तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट्स होता ही नहीं है, एयरक्राफ्ट ही रहता है, इट कैन नॉट बी रिटन इन द प्लूरल। एयरपोर्ट इज द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड एंड डी बोर्ड द एरोप्लेन्स और इवन कार्गो। बेस इज यूज फॉर द आर्मी, आर्मी बेस एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स। बेस इज अ टेम्पररी प्लेस वेयर द आर्मी इज स्टेशन, दैट इज कॉल्ड अ बेस। हेडक्वार्टर्स मेन आपका ये होता है, दैट इज द हेडक्वार्टर्स। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, जस्ट मिनट गाइस। ओके चलो, तो समझ गए इन चारों का मीनिंग। बेस एक्चुअली में होता है जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, अ टेम्पररी प्लेस फॉर द एरिया ऑफ फॉर ऑपरेशंस वेयर द आर्मी इज स्टेशन्ड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ बेस। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग और रूम इन विच इमेजेस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा आर शोन ऑन अ हाई कर्व सीलिंग, प्लैनेटेरियम, म्यूजियम, इंस्टीट्यूशन और डोम। तो इसको हम कहेंगे प्लैनेटेरियम। आपने गए, आप गए हो गए अगर आपके शहर में है एक ऐसी जगह जहाँ पे आप बैठ के ऐसे लगेगा कि आप यू आर एक्चुअली स्काई गेजिंग, यू कैन सी प्लैनेट, स्टार्स, ओके उनके बारे में बताया जाता है, इट्स अ प्लैनेटेरियम। म्यूजियम आप जानते हो, वेयर थिंग्स, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स आर केप्ट और हिस्टोरिकल थिंग्स आर केप्ट। इंस्टीट्यूशन, एनी प्लेस वेयर एनी काइंड ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, किसी भी प्रकार की पढ़ाई जहाँ पे होती है, पढ़ाया जाता है, उसे इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। एंड डोम इज द आउटर पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग, किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग के आउटर पार्ट को डोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंसिस्टिंग ऑफ और यूजिंग बोथ लेटर्स एंड न्यूमरल्स, अल्फा, अल्फा का मतलब होता है मेन, सबसे आगे, अल्फाबेटिक, न्यूमरिक और अल्फा न्यूमरिक, जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स दोनों हैं उसे आप कहोगे अल्फा न्यूमरिक। डी इज एब्सोल्युटली राइट। अगला है, अ कंफ्यूजिंग सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पैसेज, मिराज, कॉलम, मेज और स्ट्रीट। कंफ्यूजिंग सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पैसेज, भूल भुलैया को हम कहते हैं मेज। मिराज होता है मृग तृष्णा बोला जाता है हिंदी में से, जैसे डेजर्ट वगैरह में कई जगह पे आपको लगेगा कि पानी है, ऐसा चमकता है जैसे कि पानी हो, बट असल में पानी नहीं होता, इट्स एन इल्यूजन ऑफ अ वाटर बॉडी, दैट इज मिराज, इल्यूजन ऑफ अ वाटर बॉडी। कॉलम यू ऑलरेडी शुड नो, स्ट्रीट भी पता है, सो मेज शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑन अ कैटेस्ट्रोफिक स्केल, बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और डैमेज, कैटलिस्ट, कैटेस्ट्रोफी, डिजास्टर, ट्रेजेडी। करेक्ट आंसर इज कैटेस्ट्रोफी, इसी में आंसर भी था, ओके कैटेस्ट्रोफी, वाइड स्प्रेड, जैसे टर्की में अर्थक्वेक्स आया तो दैट वाज अ कैटेस्ट्रोफी टर्की एंड सीरिया में, ओके। कैटलिस्ट का मतलब होता है एनीथिंग दैट बूस्ट्स अ प्रोसेस, कोई भी चीज जो किसी प्रोसेस को बूस्ट कर दे, दैट्स अ कैटलिस्ट। डिजास्टर मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, बट कैटेस्ट्रॉफी बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है, डिजास्टर इज नॉट दैट वाइड स्प्रेड।
जैसे हमारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इट वॉज अ ट्रेन डिजास्टर, कैटेस्ट्रॉफी, ट्रेन कैटेस्ट्रॉफी नहीं बोलोगे, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर में हुआ था उड़ीसा में, दैट वॉज अ ट्रेन डिजास्टर नॉट अ कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी बहुत वाइड स्प्रेड इलाके में होता है। ट्रेजिडी का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ लॉस और एन इंसिडेंट दैट कॉजेज सैडनेस, ऐसी कोई घटना जिससे व्यक्ति दुखी हो जाए उसको हम ट्रेजिडी कहते हैं। अगला है शाई, अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन, हेल्पलेस, डिटर्मिंड, डिफिडेंट और कॉन्फिडेंट। जो शाई हो, जो किसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहे, वो कॉन्फिडेंट का एंटोनिम होगा डिफिडेंट, सी इज करेक्ट। हेल्पलेस का मतलब मजबूर, डिटर्मिंड का मतलब स्ट्रांग विल्ड, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट का ही एंटोनिम है। वन हु इज बोल्ड एंड वन हु इज विलिंग टू फेस अ सिचुएशन इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अगला सवाल, अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, जरा गेस करो तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, जहां गायों को रखा जाता है शेल्टर में, इन, बायर, स्टेबल और कूप। सो यहां पे इन तो बेसिकली होता है अ होटल फॉर पीपल टू स्टे, जनरली आपके हाईवेज में इन्स होते हैं। बायर इज द करेक्ट आंसर, जहां पे गायों को रखा जाता है, दैट्स कॉल्ड अ बायर। ओके, गौशाला जिसे कहते हैं। स्टेबल मतलब अस्तबल, जहां पे हॉर्सेस को रखा जाता है, और कूप हेन को रखा जाता है, पोल्ट्री और हेन डक्स वगैरह को कूप में रखा जाता है। अगला, एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज, इलनेस और प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग समवन और समथिंग, सर्वेलेंस, आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग और डायग्नोसिस। ऑब्वियसली डॉक्टर क्या करता है, डिजीज को डायग्नोज करता है, सो डायग्नोसिस शुड बी द सिनोनिम। सर्वेलेंस का मतलब होता है टू ऑब्जर्व समवन थ्रू अ कैमरा, और जरूरी नहीं है कैमरा में से ही, बाइनोक्यूलर से सर्वेलेंस किया जा सकता है, टू कीप एन आई, नजर रखना, दैट इज सर्वेलेंस, नजर रखना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आइडेंटिफिकेशन जानते हो, आइडेंटिफाई करना, टेस्टिंग जानते हो। नेक्स्ट, एन एक्शन ऑफ मैरिंग, फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसको बता चुका हूँ, दिस इज अपर हाइपरगैमी, अपर कास्ट, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, सारे बता चुका हूँ ऑलरेडी। अपर कास्ट ऊंचे कास्ट का, हाइपरगैमी तो मैरिंग पर्सन ऑफ सुपीरियर कास्ट, मोनोगैमी प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वंस, पॉलीगैमी प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मेनी टाइम्स। अगला, बिल्डिंग इन विच ग्रेन इज स्टोर्ड, स्टोर, गोडाउन, फार्म और ग्रैनरी। ग्रेन जहाँ पे रखा जाता है इसे ग्रैनरी कहा जाता है, डी इज करेक्ट। अगर आप जानते हो पटना में एक बिल्डिंग है गोलघर, वो गोलघर जो है दैट वॉज अ ग्रैनरी ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश वहाँ पे ग्रेन स्टोर किया करते थे। स्टोर इज सिंपली अ शॉप, गोडाउन में कुछ भी आप रख सकते हो फॉर स्टोरेज, फार्म मतलब खेत। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन फॉर यंग वुमेन इन विच द ब्यूटी, पर्सनल क्वालिटीज एंड स्किल्स आर जज्ड, ओपरा, पेजेंट, मीट और प्रोग्राम। सो यहाँ पे पेजेंट इज करेक्ट, जो आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है उसको ब्यूटी पेजेंट भी कहते हैं, सो दैट्स अ कॉम्पिटिशन, ओके, ब्यूटी कॉम्पिटिशन। ओपेरा एक पर्टिकुलर थिएटर होता है जहाँ पे लाइव प्लेज होते हैं, नाटक वगैरह किए जाते हैं, वहाँ पे ओपेरा कहा जाता है उसे, मीट प्रोग्राम तो पता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑन कैटेस्ट्रॉफिक स्केल, अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, बी कैटेस्ट्रॉफी इज एब्सोल्युटली राइट, बाकियों में मीनिंग समझा चुका हूँ, यू मस्ट बी अवेयर कैटलिस्ट डिजास्टर ट्रेजिडी क्या होता है। नेक्स्ट, एन इल्यूजन इन अ डेजर्ट दैट लुक्स लाइक अ वाटर बॉडी, मैंने मेज बताया था कि भूल भुलैया, वो उसका आंसर था, बट इल्यूजन इन अ डेजर्ट दैट लुक्स लाइक अ वाटर बॉडी इज कॉल्ड अ मिराज, यस, इसका आंसर ए होगा, ए, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था क्योंकि सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मिराज इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। शाई, अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन, डिफिडेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड, अ पर्सन हु इज बैड एट स्पेलिंग्स और हैंड राइटिंग, जो स्पेलिंग या हैंडराइटिंग में खराब हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कैकोग्राफिस्ट, CACOGRAPHIST। फ्लुएंट, वन हु इज एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, कैन स्पीक फ्लुएंटली, इज अ फ्लुएंट पर्सन।
लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है. एंड टुमल्ट इज काइंड ऑफ अ स्टॉर्म एज फार एज आई नो, अ लाउड कंफ्यूज नॉइस एन अप्रोर कमोशन. ठीक है, टुमल्ट इज एन अप्रोर, अ रोर लाउड कंफ्यूज नॉइस को आप टुमल्ट कहते हो, जिसे आप पैंडेमोनियम भी बोला जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, एजिलिटी, फेरोशियस, वर्सेटाइल, इंटरेस्टिंग. तो करेक्ट आंसर इसका होगा वर्सेटाइल, सी इज एब्सोल्युटली राइट, एबल टू डू मेनी थिंग्स. एजिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बींग क्विक इन एक्टिव, दैट इज एजिलिटी. ओके, फेरोशियस का मतलब होता है वेरी एंग्री, दैट इज फेरोशियस, एंग्री एंड वायलेंट बोल सकते हो. इंटरेस्टिंग आप जान, यू ऑलरेडी नो द मीनिंग. ओके, सो ये वर्ड्स थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो हमने 30 वर्ड्स डिस्कस किए, 30 वर्ड्स के फोर ऑप्शन, सो 4 3 12, 120 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया हमने इतनी देर. चारों ऑप्शन भी डिस्कस किया, वो भी मिलाओगे तो 120 हो गए टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे गाइज. उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा. डू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, AFCAT एग्जाम्स, देर आर ह्यूज डिस्काउंट्स इन स्कोर इन स्टोर फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस कोड जोश टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट. आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं हैं तो इन कोर्सेज में एनरोल करिए. दीज कोर्सेज विल रियली हेल्प यू, हेल्प यू पीपल टू स्कोर वेल एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी इन योर एग्जाम्स. कैन बी श्योर कि आप एग्जाम्स को पक्के तौर पर क्लियर करोगे. द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, देख लीजिएगा, चेक इट आउट. ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वोकैब शो. सो दैट वॉज इट इन दिस सेशन. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में कल, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.